आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी चॉकलेटी और इजी टू मेक ओरियो डेजर्ट। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम, और हमने एक और बाउल में एक और 4 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम लिया है। हमने दो बाउल में अलग अलग फ्रेश क्रीम इसलिए लिया है क्योंकि हमें उससे दो अलग अलग फ्लेवर्स की क्रीम बनाने हैं। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून चॉकलेट लिया है और 2 टेबल स्पून आइसिंग शुगर लिया है। आइसिंग शुगर आपके पास अगर नहीं होगा तो आप उसके बजाय पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने 1 पैकेट ओरियो का लिया है। आप ओरियो में, मैंने अभी यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर लिया है, आप प्लेन फ्लेवर भी ले सकते हो। अभी हम ये जो ओरियो का पैकेट है वो फोड़ेंगे और मिक्सर में उसे क्रश कर लेंगे, और मेल्ट जो चॉकलेट है उसे मेल्ट करने रखेंगे माइक्रोवेव में 20 सेकेंड्स के लिए। जो ओरियो बिस्किट्स थे उसे हमने क्रश करके ले लिया है। ओरियो बिस्किट्स को हमने उसकी क्रीम के साथ ही क्रश किया था ताकि वो थोड़ा मॉइस्ट रहे, और जो मेल्ट हमने जो चॉकलेट मेल्ट किया था वो भी रेडी है। अभी हम पहले चॉकलेट क्रीम बनाएंगे, उसके लिए जो फ्रेश क्रीम है हम वो चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट में ऐड करेंगे। आप ध्यान रखें कि जो फ्रेश क्रीम है वो थोड़ा थिक रहे। इसके लिए आप जब वो टेट्रा पैक लाते हो आप उसे फ्रिज में रख सकते हो, तो जो सब थिक क्रीम है वो ऊपर आ जाएगा और सब लिक्विड क्रीम नीचे चले जाएगा, और आपको वो थिक क्रीम यूज़ करना है। और हमें इसमें चिल्ड फ्रेश क्रीम यूज़ करना है। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे। और ये जो हमारा चॉकलेट क्रीम है वो रेडी है। अभी हम हमारा व्हाइट क्रीम बनाएंगे। उसके लिए हम हमारे फ्रेश क्रीम में आइसिंग शुगर ऐड करेंगे, और आप आइसिंग शुगर के साथ साथ थोड़ा सा वेनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हो लगा तो। अभी मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अभी व्हाइट क्रीम भी जो है वो रेडी है, सो लेट्स स्टार्ट सर्विंग। पहले हम हमारा ओरियो का लेयर डालेंगे। अभी हमारा जो ओरियो का लेयर है वो हो गया है, अभी हम चॉकलेट क्रीम डालते हैं। चॉकलेट क्रीम डालने के बाद हम ओरियो का एक और लेयर डाल देंगे, फिर व्हाइट क्रीम, और ऊपर से थोड़ा सा और ओरियो का जो हमारा पाउडर है वो स्प्रिंकल करेंगे। तो मैं ये कर लेती हूँ। अभी हम हमारा जो लास्ट चॉकलेट का लेयर है वो डालेंगे, और ये हमारी डिश रेडी है। आप ये इसे थोड़ी देर चिल होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।